कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल संयुक्त कार्यवाही को अंजाम देते हुए टांडा थाना अंतर्गत टीम ने 860 बोरियां यूरिया खाद की जब्त कर ली है। टांडा थाना अंतर्गत बीती रात कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 860 बोरियां यूरिया खाद की जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टांडा के व्यापारी विनायक बाफना द्वारा अवैध रूप से गोदाम में लाखों रुपए की यूरिया खाद की 860 बोरी संग्रहित कर रखी गई थी और वितरण किए जाने की भी जानकारी प्रशासन को लगी थी, जिसको लेकर नायब तहसीलदार, कृषि विभाग अधिकारी एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए भंडारण संबंधी दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उक्त व्यापारी विनय बाफना के खिलाफ कार्यवाही करते हुए खाद की बोरियों को जब्त किया गया और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत टांडा थाने में FIR दर्ज करवाकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 27 तारीख को टांडा आकस्मिक भ्रमण के दौरान यहां पर एक अवैध रूप से भंडारण का गोदाम देखा गया और तत्काल राजस्व पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से वहां पर अंजाम दिया गया और रात भर कार्रवाई चली, जिसमें 860 यूरिया के बैग पाए गए, जो विभिन्न कंपनी के बैग थे, जिसमें इफको, क्रपको और नर्मदा पेलीफास्कट के थे। ये बैग जब्त किए गए और जब्त करने की कार्रवाई संपूर्ण रात भर चली और सवेरे 6 बजे तक चली गई और इस कार्रवाई में जो 860 बैग है उसकी लगभग 2.5 लाख के आसपास की कीमत है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/60 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसमें 420 IPC की धारा लगाई गई है, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी समय में भी यदि किसी रूप में अवैध भंडारण की स्थिति पाई जाएगी तो जो संयुक्त रूप से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।